इंदौर क्राइम ब्रांच ने सांप तस्करों की गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है, जिसमें दरअसल ये तीनों आरोपी दो मुंह सांप बेचने का काम कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह लॉकडाउन के पहले जंगल से सांप पकड़कर लाए थे और तभी से इसे बेचने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने ग्राहक बनकर इन आरोपियों को धर दबोचा है, जिसका सौदा 25 लाख रुपए में किया गया था। इनके कब्जे से पकड़ा गया सांप रेड सैंड बाउ प्रजाति का है, जिसकी तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रेड सैंड बोआ बर्तन जाती है और वो स्नैक की उसको पकड़ा है और ये बेसिकली डील कर रहे थे। ये पुलिस ने ही जो क्राइम ब्रांच का जो टीम थी उनके द्वारा ग्राहक बनकर इस डील को किया गया और फिर उसको मौके पर रंगे हाथों पकड़ा। इस संबंध विभाग के साथ कार्रवाई की जा रही है। इसमें तीन आरोपी है, जिसमें कि जो दिलीप है बेसिकली मैन है, जो कसरावत क्षेत्र का रहने वाला है और ये खरगोन जो कसरावत के जंगल है जो उधर वहाँ से इसको पकड़ाया गया था, उसका भी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ बताया गया है। उन्होंने मिलकर इन तीनों ने सोचा कि इसको बड़े हुए दामों में बेच दिया जाए तो 25 लाख की डीलिंग तय हुई थी, जिसके आधार पर फिर पुलिस ने टीम बनकर ट्रैप डाला और उसके आधार पर ये वैधानिक कार्रवाई शुरू की।